नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीएद मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल एरिया। दोस्तों, इसमें हम 6 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 6 भाग के अंदर हमने 92 क्वेश्चन कम्प्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग 7वां और क्वेश्चन नंबर होगा 93 और आज का टाइप होगा हमारा समलंब पर आधारित प्रश्न, ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वाक 7वां और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 93 और आज का जो टाइप होगा हमारा क्या होगा, समलंब पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारा समलंब होता क्या है। तो देखना, लिखना भाई यहाँ पर समलंब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आपकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? समानांतर। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। तो आप देख रहे हैं ये जो ए बी और डी सी दोनों लाइन कैसी हैं आपकी, समानांतर है, पैरेलल है, यानी कि टू अपोजिट साइड क्या होती है भाई, पैरेलल। तो आप देखेंगे ए बी समानांतर किसके हो गई, डी सी के। एक तो आपकी ये पहचान हो गई, ठीक है, दो रेखाएं क्या होंगी, दो भुजाएं क्या होंगी हमारी, समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी चीज आप देखेंगे ये जो हमारी दो बाकी भुजाएं जो बची ए डी और बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ये हमारी बराबर भी नहीं भी हो सकती, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। लेकिन हमारी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सिर्फ इसके दिए हैं, यानी ये भी दोनों जो दो बाकी भुजाएं क्या होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं इसमें और दो रेखाएं कैसी, समानांतर, समझ गए, यानी कि आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। तो अभी हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ये वाली चीज़, यानी कि दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ये वाला क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं दे रखा है, समझ गए भाई। और आप देखेंगे, इसे मिटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के अंदर इस पर जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक, एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ समानांतर, समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला छोटा सा भाई, एरिया का क्षेत्रफल समान 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समानांतर भुजा कौन सी भाई, ये और ये, यानी क्वेश्चन के अंदर आपकी टू पैरेलल लाइन है, क्या दे दिया जाएगा उनकी, गिवन होगा हमारे अंदर डाटा उस क्वेश्चन के अंदर, और ऊंचाई दे रखी होगी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, उसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। आप कह रहे हैं ऊंचाई कहाँ है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, लंब डाल दिया इस पर, इस नीचे वाले भुजा आधार पर क्या डाल दिया मैंने, इस पर लंब डाल दिया, या फिर आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो आप देखेंगे 1/2 इंटू समानांतर भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और डी सी, जोड़ दीजिए ए बी प्लस डी सी इंटू ऊंचाई क्या मानी, एच, ठीक है, ये फॉर्मूला, बस आप इसे याद रख लीजिए, आपका पूरा टॉपिक इससे जो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछता है बिकर्ड, बिकर्ड भी पूछता था डायगनल, तो बताना बिकर्ड कौन सा होगा, तो बिकर्ड क्या होता है, यानी अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं हमारे, उन दोनों को मिला दीजिए, आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स, यानी ये और ये कैसे भाई, अपोजिट है आमने सामने के, इन दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा, ये बिकर्ड हो जाएगा डायगनल, या फिर इस बिंदु को और इसे आपस में मिला दीजिए इस तरीके से, तो आपके क्या हो जाएंगे, बिकर्ड हो जाएंगे। किस तरीके से निकाला जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपके लिए बता दूंगा। तो बस यही छोटा सा फॉर्मूला, इसे याद रख लीजिए, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 93, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 93 में आप देखें क्या दिया है, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, तो बना दीजिए भाई समलंब इसी तरीके से बनेगा भाई, ठीक है, ये और समांतर भुजाएं क्या दे दी, 2:3,
तो आप देख रहे हैं छोटी भुजा एक बड़ी भुजा है, तो छोटी वाली क्या हो जाएगी टू, बड़ी वाली क्या हो जाएगी थ्री। लेकिन रेशियो में दे रखा है तो इसके साथ कॉफिशेंट ले लेंगे, गुणांक ले लेंगे, यानी कि 2x और 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी का क्या मतलब है भाई? न्यूनतम दूरी यानी ऊंचाई दे रखी है, कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेशियो में थे तो मैंने उसके साथ कॉफिशेंट लिया, ये हमारी एक्चुअल है तो एक्चुअल लिख दिया मैंने। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समानांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? समानांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा कौन सी आप देख रहे हैं? 3x है, 2x से छोटा है क्या? 3x, 3x कैसे निकलेगा? जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी पहले, तो आप x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो आप देखेंगे एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। क्या समानांतर भुजा 2 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x इंटू ऊँचाई, ऊँचाई कितनी? 12 है भाई, फॉर्मूला यही तो है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं कौन से? 2x और 3x, इनका योग जोड़ दिया इंटू ऊँचाई, ऊँचाई कितनी? 12 है। आप देखें एरिया दे रखा है हमारा 480, रख दीजिए एरिया की जगह 480 बराबर 1/2 इंटू 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा इंटू कितना? 12। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा 80, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 का 80 में भाग लगा देंगे भाई, यानी कि 80/5 कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितनी? 16। क्या पूछा? समानांतर भुजाओं लंबी भुजा, लंबी भुजा कितनी? 3x, x की वैल्यू कितनी? 16, 16 यहाँ कर दीजिए, 16 × 3 करें कितना? 48 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं था इसमें, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 94, और 94 दिया ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर किसकी है? डी सी की है, तथा ए बी बराबर 2 CD। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें समलंब का नाम दे दिया है ए बी सी डी, ठीक है। तो बना देते हैं पहले तो हम यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन हम अभी यहाँ पर ए बी सी डी अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिलेशन दे रखा है ए बी पैरल, सॉरी ए बी बराबर है हमारा 2 CD के, यानी ए बी हमारा सी डी का क्या है? दुगुना है। सी डी जो भी है उसका दुगुना कौन है? ए बी है। अब देखना यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि ए बी पैरेलल डी सी के, ए बी और डी सी समानांतर, आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन हमारी कैसे समानांतर, यानी कि ए बी या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ए बी ए है या फिर ये है? वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? यहाँ से, क्यों? हमें बताए ए बी सी डी का दुगुना, यानी कि ए बी बड़ा है, बड़ा कौन सा? ये, यानी कि ए बी हमारा ये होगा। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से ए बी और सी डी नहीं मान सकते, क्वेश्चन के अंदर जो दिया है डाटा उसे हम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी ये हो गया, तो सी डी आपका क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, ए बी सी डी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ऊपर मिलते हैं, ए सी और बी डी। तो आप देखें ए सी और बी डी कहाँ पर मिलते हैं? ओ बिंदु पर, तो ओ लिख दिया मैंने, ये ऊपर मिलते हैं, तदनुसार त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, बी है भाई, ए ओ बी तथा सी ओ डी, तथा सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, और ज्योमेट्री के अंदर समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उन्हें पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है ए बी बराबर 2 CD। क्या आपको सी डी मालूम है कितना? नहीं पता, कुछ ही मान लीजिए आपकी इच्छा है। जैसे मैंने मान लिया सी डी एक्स है, क्या मान लिया? एक्स है, तो बताना ए बी कितना होगा? अगर सी डी एक्स है, यहाँ एक्स रख देंगे तो कितना हो जाएगा ए बी? 2x हो जाएगा भाई, ए बी कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि बताया कि ए बी सी डी का क्या है? दुगुना है, तो दुगुना कर दिया, 2x हो गया। कहाँ से निकालेंगे इसका एरिया? तो आप देखेंगे, मैंने आपको कल वाली क्लास में शायद बताया था, और आपने देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। देखना ये जो दोनों लाइन हैं, सॉरी कोई बात नहीं, पहले आप उसे देख लीजिए पिछली क्लास को, ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये दो लाइन समानांतर हैं, और एक मैंने इसके तिरक रेखा खींच दी, यानी कि ट्रांसवर्स लाइन। अब आप देखेंगे ये जो हमारा एंगल है, ये और ये हमारे कोण कहलाते हैं एकांतर। तो आप देखेंगे आपका ये जो कोण है और ये क्या? एकांतर कोण है। और ये जो हमारे कोण होंगे, ये और ये कैसे होंगे? सम्मुख कोण, आमने सामने के, इसे बोलते हैं सम्मुख। ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इसके सामने कौन सा भाई? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। वो पॉइंट है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आप देखेंगे ये जो एंगल है, ये इसका जो एकांतर कोण होगा कौन सा होगा? ये
यहाँ से हमारे दो समरूप त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, तो आप देखेंगे ए ओ बी, ए ओ बी एक तो त्रिभुज ये बन गया आपका, इस तरीके से इसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लेना, ये एक तो त्रिभुज आपका ये बन गया। तो आप देख रहे हैं ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मक कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये इन कोणों के बारे में पहले आपसे बोला था और दोबारा कह रहा हूँ, इन कोणों को हम कहाँ पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो पहली क्लास में आपको यही बताऊँ, कोणों के बारे में बताऊँ कौन कौन से कोण होते हैं। तो ये हो गया एकांतर कोण आपस में बराबर, सम्मक कोण आपस में बराबर, ये भी कैसे एकांतर कोण, ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो ए बराबर किसके, सी के। तो आप देख रहे हैं ए ओ बी, ये जो हमारा ट्रायंगल है ए ओ बी, ये हमारा त्रिभुज समरूप किसके होगा, सी ओ डी। आप देख रहे हैं ए बराबर किसके है, सी के, तो ए बराबर सी, ओ हमारा क्या है कॉमन है, और बी बराबर किसके, डी के, क्योंकि बी और डी भी कैसे बराबर है। अब इसका जब समरूप त्रिभुज हो तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर समरूप त्रिभुज दे दिया जाए और उन्हें उनका हमें क्या निकालना हो, एरिया का रेशियो निकालना हो, तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर उन समरूप त्रिभुजों की अगर भुजा दे रखी है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई गिवन है समरूप त्रिभुज की तो उस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि समरूप त्रिभुज का कुछ भी गिवन हो, उन दोनों समरूप त्रिभुज का कुछ भी गिवन हो उसका स्क्वायर कर देंगे। आप देख रहे हैं हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है, इस सी ओ डी की साइड कितनी, एक्स है, सॉरी सी ओ बी लिख गया यहाँ पर, सी ओ डी है, ठीक है, तो सी ओ डी त्रिभुज सी ओ डी इसकी भुजा कितनी, x है, तो लिख दीजिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, कब, जब समरूप त्रिभुज की बात हो तब, तो त्रिभुज ए ओ बी अपॉन त्रिभुज सी ओ डी, बी का d लिख रहा हूँ, d का c, देख रहे हो भाई, तो भुजा ए ओ बी की कितनी भाई, ए ओ बी भुजा कितनी, 2x है, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सी ओ डी की भुजा कितनी है भाई, x है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसे मिटा दूं अब तो कोई दिक्कत नहीं, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा है, कितना, 4 अपॉन 1, क्या लिख सकते हैं इसे, 4 रेशियो 1, ये क्वेश्चन है भाई, छोटा सा 4 रेशियो 1 सेकेंड ऑप्शन भी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 95, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उनकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमश 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो कर दीजिए भाई, एरिया क्या होता है, अच्छा एरिया दे रखा कितना, 105 वर्ग मीटर, तो देखना एरिया बराबर 1/2, और क्या होता है समानांतर भुजाओं का योग, और समानांतर भुजाएं कितनी दे रखी है, समानांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 12 है, इन दोनों का योग 9 प्लस 12 है, इनटू ऊंचाई, और ऊंचाई क्वेश्चन के अंदर हमें पूछिए, मैंने मान लिया h, और एरिया क्वेश्चन के अंदर दे दिया कितना 105, यही है भाई। तो देखना इस 2 का तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 105 इंटू 2 बराबर 9 और 12 कितना 21 हो जाएगा, इंटू 21 इंटू एच, 21 साफ देखें कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5 गुणा 2 में करेंगे कितना 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, बस यही है, और बताओ क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, डी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 96, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समानांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनके बीच की लंब दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, चलो भाई बना दीजिए, बनाऊं इसे दोबारा से, चलो बना देता हूँ कोई बात नहीं, अब इसे 12 मिटाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, बना रहने दूंगा। समानांतर भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं, 3 और 5, बताओ 3 कौन सी होगी 5 कौन सी, छोटी वाली साइड होगी 3x और ये हो जाएगी 5x, 3x 5x क्यों लिया, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, और उनके बीच लंब दूरी कितनी 12, यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, और एरिया हमारा है ही है कितना 384, तो एरिया बराबर फॉर्म लिख दीजिए 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितनी 12 इंटू 12, और एरिया कितना दे दिया भाई 384, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखें 2 से कट जाएगा 6 बारें, और ये 6 से कट जाएगा, ये 6×6=36, 2 बचेंगे 6×6=24, और 8 से कट जाएगा 8 बार, आप देख रहे हैं x की वैल्यू निकली कितनी 8 भाई, इधर कुछ बचा सिर्फ x बचा और पूरा कैंसिल होकर इधर गया 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकला 8, रख दीजिए भाई 8,
एक्स की जगह 8 रख दो तो आप देखें 5x कितना हो जाएगा भाई। एक्स की जगह 8 लिखेंगे तो 5x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40 बन जाएगी। ये 3x है, यहाँ 8 लिखेंगे तो कितना, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से हमारी साइड मालूम पड़ गई। अब क्वेश्चन के अंदर आगे पढ़ना क्या बोला, तदनुसार यदि प्रत्येक समानांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे, जो समानांतर भुजा है उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, ये 24 है तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर वृद्धि करेंगे। ये 40 है, ये कितना हो जाएगा, 42। भाई 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करा समांतर भुजाओं में कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप देखेंगे अब जो नया क्षेत्रफल निकलेगा न्यू एरिया वो कितना होगा भाई, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग। अब हमारी समांतर भुजाएं कौन सी होगी, 26 और 42, क्यों, दो दो की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ऊंचाई हमारी 12 ही है, ये इंटू 12, तो आप देखेंगे 1/2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और 6 और 2 8 और 4 और 2 6 इंटू 6 और 6 का 8 करेंगे गुणा 48 और 6 चंगे 36, 36 4 40। नया क्षेत्रफल आया 408, पहले क्षेत्रफल था 384, ये पूछ रहा कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या करेंगे 408 में से 384 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा 2 यानी कि 24, कितने की वृद्धि भाई, 24 की। समझ आया कि नहीं, हमारा नया क्षेत्रफल आया है कब, जब वृद्धि होगी तो, पुराना क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दिया 384, ये पूछा कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो इस 408 में से 384 माइनस कर देंगे, कितना निकल आएगा, 24। अब आप देखें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे, दो क्या होंगी, समानांतर, ठीक है। एरिया दे रखा 176, लिख लीजिए भाई इसे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समानांतर भुजाओं की योग की 2/11 है। अब मुझे यहाँ बताना ऊंचाई कितनी होगी, समानांतर भुजा का योग कितना होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ पर इसने बोला कि ऊंचाई समानांतर भुजाओं के योग की 2/11 है, तो जो चीज़ बोले उसे लिख लीजिए, उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई किसके बराबर है, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग का 2/11 का मतलब क्या है, इंटू कर देंगे भाई, यही वाली चीज़ तो है, ऊंचाई जो दे रखी है समानांतर भुजाओं के योग का 2/11, मैं समांतर नहीं लिखा आप लिख लेना, समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 कौन, ऊंचाई, ये लिख दिया भाई मैंने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तदनुसार यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई 4/7, अब देखना समानांतर भुजाओं की लंबाई 4/7 दे रखी है, समानांतर भुजा कौन सी हमारी, यही तो है, और इनकी लंबाई 4/7 है, रेशियो में दे रखा तो क्या मानेंगे, 4x और 7x, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर विकर्ण पूछा है और ऊंचाई हमें नहीं पता अभी तक कितनी है, ठीक है, तो ऊंचाई कहाँ से निकाल लेंगे भाई, यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 4x और 7x, योग कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा भाई, इंटू ये 2/11, तो आप देखें 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊंचाई आपकी कितनी निकलाई, 2x निकलाई, यहाँ से हमने ऊंचाई भी निकाल ली भाई, कितनी हो गई है, 2x, ठीक है। पूछा क्या है इसने, विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई, तो आप देखेंगे इसे मिटा दूँ, चलो रहने दो कोई बात नहीं, तो आप देखना पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद विकर्ण निकला, क्योंकि आप देखेंगे विकर्ण आपका कहाँ है, ये है, या फिर इधर से निकाल सकते हैं या फिर ऐसे कोई सा मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमें ये निकालना है, तो आप देखें ये जो हमारी ऊंचाई है क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री होगा, तो आप देख रहे हैं हमारा क्या बन जाएगा, ये भाई क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो आप देखें 2x और ये क्या हमारा पूरा 7x, हमें ये विकर्ण चाहिए, तो पहले x की वैल्यू मालूम हो तब हम जो आगे उसे सॉल्व कर पाएंगे, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, और समानांतर भुजाओं का योग कितना, 4x और 7x, कितना हो जाएगा 11x, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 2x, लिखती है 2x, और एरिया कितना 176, बस ये है, तो आप देखेंगे 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा ये, और 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 × 11 6 बचे और 11 × 6 66, एक्स गुणा एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स बराबर देखेंगे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर हटाना है,
एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, एक्स हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 16 का जो स्क्वायर रूट निकला है कितना 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा, 7x है ये 4x है, x से 4 रखेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हमारा 2x है और x से 4 लिखेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ऊँचाई हमारी हो गई 8। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ पर जो है आसानी से इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे देखना भाई, मैं यहाँ पर इस शीर्ष से और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा भाई, ठीक है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी ऊंचाई है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना है यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 16 है तो बताना यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी 16 ही होगा भाई, क्योंकि ये हमारे एक 90 हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, सीधी रेखा है हमारी दोनों की दोनों, अगर ये 16 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 16 होगा भाई, यहाँ तक ये भी क्या होगा 16 होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ए बी सी और डी, हमें चाहिए विकर्ण यानी ए सी निकालना, ए सी तो बताना अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी निकालना भाई, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने क्या होगा कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप देखें कर्ण क्या आपका ए सी है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आप देखेंगे आधार कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा भैया यही तो त्रिभुज बनेगा, ये फिर ये और फिर ये, तो आप 8 तो मालूम, ये और निकालना है मुझे, ये कैसे निकलेगा, तो आप देख रहे इस यहाँ से और यहाँ तक तो 16 है, ये वाला कितना होगा ये तो मुझे पता नहीं। तो देखना क्वेश्चन के अंदर बोला सम दिभाव समलंब है, यानी ये दोनों रेखाएं भी कैसी हैं, समान हैं, अगर ये दोनों रेखाएं समान हैं और ये दोनों समानांतर हैं, आप देख रहे हैं ये और ये, हमने यहाँ से देखा ये जो हमारा कितना 16 है, तो यहाँ से इधर जो बचेगा ये, यहाँ भी कुछ नाम दे दो ए बी सी डी ई और एफ, ई और एफ, तो आप देखेंगे यहाँ से डी ई बराबर एफ सी, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ये पूरा कितना 28 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो आप देखना 28 में से अगर 16 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 12, 28 में से 16 माइनस कर दूँ कितना बचेगा 12 बचेगा, और मैंने बोला अब ये 12 कहाँ कहाँ बटेगा, ये जो बचा ये और यहाँ बटेगा, और मैंने बोला ये दोनों भाग बराबर हैं तो 12 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा 6, तो आप देखेंगे 6 तो ये हो जाएगा और 6 ही आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा जो फिगर है थोड़ा सा वैसा हो गया, गंदा सा हो गया, पर समझिए आप डी ई भी 6 हो जाएगा और एफ सी भी 6 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये समझ आ गया, यहाँ से यहाँ तक 16, अब देखना पूरा ये 28 है कि नहीं, डी से लेकर सी तक 6 और 16 कितना 22, 22 और 6 कितना 28, तो हमने यहाँ से देख लिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे चलो कोई बात नहीं, यहाँ लंबा हमारा कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64, आधार कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 16 और 6 ये, तो आधार ई सी बराबर कितना 16 और 6 कितना 22, यानी कि 22 का स्क्वायर, ठीक है, आधार कितना हो गया 22, बस इसे सॉल्व कर लीजिए और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, चलो इसे एक बार लिख देता हूँ मैं, लंब हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे अब मैं मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, इसे आप नोट कर लेना इसे, तो आप देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 22 का स्क्वायर 484, जोड़ दिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 14, ठीक है, 4 और 1 5, 548 ए सी स्क्वायर, लेकिन हमें ए सी निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई, तो ए सी बराबर हो जाएगा और इस 548 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं भाई, तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, 548 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 से देखेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 तीय 6, 2 सत्ते 14 और 137 कटेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा यानी ये, तो आप देखें ये तो आपका पेयर कंप्लीट बन गया, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनना उसे हम अंदर ही छोड़ देंगे, यानी 2 और स्क्वायर रूट के अंदर कितना 137, ये इसका भैया आंसर होगा, तो थोड़ा सा आपको हो सकता मुश्किल लगे,
लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना और मैं आपके लिए इसे दोबारा से फिर बता दूंगा। हालांकि इसमें डाउट वाली कोई चीज़ मैंने आपको छोड़ी नहीं है। तो आप देखेंगे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी पर टिक मत कर देना जल्दबाजी में, कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन नंबर 98 दिया ए बी सी डी एक ए डी और बी सी समांतर भुजाओं वाला समलंब है। तो ये तो मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, और यहाँ भी मुझे लग रहा है थोड़ी जो क्लास हमने पिछली कर ली है उनका इसमें यूज हो सकता है हमारा। ये जो अगला क्वेश्चन है 98, ए बी सी डी एक ए डी और बी सी समांतर भुजाओं वाला समलंब है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसने ये नहीं बताया कि कौन सी भुजा छोटी कौन सी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं ए बी सी डी, है ना। पर आपको ध्यान रखना ए डी और बी सी दोनों समांतर होने चाहिए। अच्छा गलत हो गया भैया, ए डी ये और बी सी ये तो समांतर हो नहीं सकते, तो ये चीज़ ध्यान रखनी ए डी और बी सी दोनों समांतर, यानी कि हमारा डी पॉइंट ए मान लेंगे और हो जाएगा बी। अब सही है ए बी सी डी, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो ए डी और बी सी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। समांतर भुजाओं वाला समलंब है, ई बी सी पर एक बिंदु है, ई बी सी पर कहीं बिंदु है, जैसे मैंने यहाँ बिंदु मान लिया भाई, कहीं भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ई बिंदु हो गया। ए बी सी डी और ए ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए ई डी, इनके क्षेत्रफल का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, यही है भाई ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल क्या हो गया बताओ, 1/2। ठीक है भाई, 1/2 क्योंकि आपका समलंब चतुर्भुज, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या क्या है, ए डी और बी सी, क्योंकि ए डी प्लस बी सी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं पता तो हमने क्या मान ली, एच मान ली, क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई नहीं मालूम तो क्या मान ली, एच मान ली। आप अब हमें निकालना है त्रिभुज ए ई डी, तो ए ई डी कहाँ बनेगा, तो आप देख रहे हैं ए ई डी, तो मैं इसे डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का जो आधार है क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी बनेगा भाई, क्या बनेगा ए डी, आधार यही तो है भाई त्रिभुज का, ये है यानी ए डी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें पता नहीं, तो बताना इसकी जो ऊंचाई मैंने मानी है इसकी, इसकी क्या मानी, एच मानी, तो इसकी भी तो एच ही होगी, क्यों, देखो ऊंचाई क्या होता है, उसके शीर्ष से हम क्या डाल दें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी इस बिंदु से, तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, यानी कि हमारा जो समलंब है और ये त्रिभुज है दोनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी, इंटू हाइट, हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, 1/2 कैंसिल, यानी कि ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी, ये आप देख लीजिए, ये होगा क्षेत्रफल का अनुपात, ए डी प्लस बी सी, सॉरी सी नहीं है डी है, ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी, ए डी प्लस बी सी अपॉन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 99, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा सॉरी और 8 सेंटीमीटर, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, क्वेश्चन के अंदर कुछ है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या पूछा, एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैं, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, और समानांतर भुजा क्या क्या दे रखी है, 6 और 8 दे रखी है, इनको दोनों को जोड़ दो, 6 और 8 कितना होगा 14, गुणा ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई दे रखी है 4 × 4, 2 से कट दो 2 और 2 14 × 2 में करें कितना 8 है, ये आ गया आंसर है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, 100 दे रखा है, समलंब आकार के एक क्षेत्रफल, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी 24 मीटर है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी, अब मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा भाई, डायरेक्ट बता रहा हूँ, एरिया क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या क्या दे रखी है, 5:3 है, अनुपात में दे रखा है तो क्या करेंगे, 5x + 3x इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखिए 24, एरिया कितना दिया है 1440, तो एरिया की जगह 1440 लिख दिया, इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 12, और 12 से कट जाएगा कितना, 12 में 144 यानी 120, 5 और 3 कितना 8x, 8x बराबर 120, x बराबर कितना 8 से कट जाएगा कितना 15 बार कट जाएगा ना, ठीक है
15वां, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 15। क्वेश्चन के अंदर पूछा है बड़ी समांतर भुजा की लंबाई बताना, 5 और 3 में से बड़ी कौन सी है, 5 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 × 15 यानी कि 75। बस ये क्वेश्चन था भाई, फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एरिया बराबर 1/2 इनटू समानांतर भुजाओं का योग, और समानांतर भुजाएं क्या क्या दे रखी है, 1.5 प्लस 2.5 इनटू ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है 6.5, कर दीजिए भाई सॉल्व। तो आप देखेंगे 1/2 इनटू 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इनटू 6.5, 2 से कितने में कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 × 6.5 में करेंगे कितना आ जाएगा 130 होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 30। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 102, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं क्या होंगी। अब देखो इसने 2 समांतर भुजाएं बताई हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 का, यानी कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी। जैसे अगर एक साइड ए है तो अगली क्या होगी, ए प्लस 4 होगी, होगी कि नहीं भाई। इसने यही तो बोला 2 समांतर भुजाओं में 4 सेंटीमीटर का अंतर है, तो अगर एक ए है तो अगली क्या होगी, ए प्लस 4 होगी भाई, इन दोनों में तभी तो 4 का अंतर होगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए भैया, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं ये हमारी a प्लस 4 इंटू ऊंचाई कितनी, क्वेश्चन के अंदर बोला लंबवत दूरी कितनी 19 है, लंबवत दूरी का मतलब क्या है, ऊंचाई है, और एरिया कितना दिया 475। बस ये रख दीजिए फॉर्मूले में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं, समांतर भुजाएं होंगी, सॉल्व करेंगे 19 से कितनी बार कट जाएगा देखना, 19 से 2 बार 38 हो जाएगा, फिर 9 बचेंगे 95, 19 × 5 = 95 25, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25 में, तो आप देखें a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस 4, इसे सॉल्व करके कितना आ गया 2a प्लस 4, और इस 2 का इस 25 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 2a बराबर इस 4 को 50 की तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 50 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 46 बचेगा, a बराबर कितना इस 2 का भाग लगा दो कितना हो जाएगा 23, a की वैल्यू कितनी 23। क्वेश्चन के अंदर समांतर भुजाएं होंगी, समांतर भुजाएं क्या क्या थी, एक a मानी थी, एक a प्लस 4 मानी थी, a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आप देखें ये तो हो जाएगी 23, कितनी हो जाएगी 23, और ये कितनी हो जाएगी 27, यानी कि 23 और 27, ये आपका आंसर हो जाएगा 23, 27। तो आप देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 27 हुआ 23 आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो दोस्तों आज हम इस क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे, और इसका अगला टॉपिक हुआ व्रत पर आधारित प्रश्न, तो उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है कैसी लगी, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।